करना मौलिक अधिकार नहीं है। भावना सिसोदिया हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। भावना, ईडी ने तमाम कोशिशें की लेकिन आखिरकार अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई। जी, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी गई है। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा। जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर 7 मई को सुनवाई चल रही थी तो ईडी ने तमाम तरीके का विरोध जो है वो दर्ज किया था और वहीं 9 मई को जो है ईडी की तरफ से हलफनामा भी दाखिल किया गया था जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया था कि चुनाव प्रचार करना ना तो मौलिक अधिकार है ना ही संवैधानिक अधिकार है और ये गया था कि अगर ऐसे किसी भी अपराधी को गिरफ्तार करके नहीं रखा जा सकता क्योंकि हर 6 महीने में चुनाव होता है। लेकिन हर चीजों को दरकिनार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बड़ी राहत दी और उनको अंतरिम जमानत दी गई। 1 जून तक के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी गई। यही बात है कि अरविंद केजरीवाल की जमानत का ईडी लगातार विरोध कर रही थी और ये भी कह रहे थे कि प्रचार कोई मौलिक अधिकार नहीं है ना ही कानूनी अधिकार है। फिर आखिर क्या आधार रहा अरविंद केजरीवाल को जमानत देने का, क्योंकि ये भी स्पष्ट है कि 2 तारीख को सरेंडर भी करना है। जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ तौर पे कहा गया था कि चुनाव प्रचार प्रसार को लेकर जो है अंतरिम जो जमानत के ऊपर विचार किया जाएगा क्योंकि देखा जाए तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिटिंग सीएम है तो कहीं ना कहीं चीजों को देखते हुए और देखा जाए तो जब सुप्रीम कोर्ट में दलील चल रही थी तो ईडी भी सुप्रीम कोर्ट के सवालों के कटघरे में खड़ी हुई थी। ईडी से साफ तौर पे पूछा गया था कि जो 100 करोड़ का घोटाला था वो 1100 करोड़ का कैसे बना। 5 सवालों के जवाब ईडी से मांगे गए थे, कहीं ना कहीं उन 5 सवालों के पुख्ता जवाब ईडी के पास नहीं थे तो उनको देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी गई है। मैं आपको बता दूं चारूल की कुछ शर्तों के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ना ही तो अपने ऑफिस जाएंगे और ना ही सचिवालय जाएंगे, मतलब एक तरीके से सीएम पद पर रहते हुए भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने दफ्तर नहीं जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ उनको ये भी कहा गया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब तक जरूरी नहीं होगा किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि फाइल करने से प्रतिबंधित किया गया हो उनको, वो साइन कर सकते हैं लेकिन जब तक जरूरी नहीं होगा तब तक वो किसी फाइल पर जो है साइन नहीं करेंगे। वही तीसरे रिस्ट्रिक्शन जो कोर्ट की तरफ से लगाई गई है वो साफ तौर पर ये लगाई गई है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो कथित शराब घोटाला मामला है उसको लेकर किसी भी तरीके का बयान या टिप्पणी नहीं करेंगे। उसके अलावा वो खुल के चुनाव प्रचार प्रसार कर सकते हैं जिसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बड़ी राहत दी है। और जब से सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है तब से आम आदमी पार्टी मुख्यालय में एक जश्न का माहौल देखा जा रहा है, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं लोग मिठाइयां बांट के इस खुशी के अवसर को मना रहे हैं। और जब आम आदमी पार्टी के नेताओं से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि तानाशाही का अंत अब जरूर होगा। एक लड़ाई आम आदमी पार्टी जीत चुकी है जो कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत के रूप में मिली है। वहीं अब जो चुनाव में बदलाव आएगा वो देखने वाला होगा और कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता। संजय सिंह के बाद अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलना, आम आदमी पार्टी यकीनन उत्साहित तो नजर आ रही है लेकिन अब क्या ये मान लिया जाए कि प्रचार में कब से जुटेंगे अरविंद केजरीवाल? जी देखिए, अभी किसी भी तरीके से ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि प्रचार में कब से जुटेंगे लेकिन ये बात जरूर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद कल से ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सड़कों पर देखने को मिले क्योंकि कल दिल्ली में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का एक बड़ा रोड शो ईस्ट और साउथ दिल्ली लोकसभा में जो है होने वाला है तो उम्मीद लगाई जा रही है उस लोकसभा चुनाव प्रचार में भगवंत मान के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी नजर आए। बिल्कुल, ये भी समझना चाहेंगे कि देखिए हालांकि ये कहा गया है कि दफ्तर नहीं जा सकते हैं, सीएम दफ्तर नहीं जा सकते हैं, फाइल साइन नहीं कर सकते हैं, इसके अलावा और क्या क्या शर्तें सुप्रीम कोर्ट की ओर से रखी गई हैं अरविंद केजरीवाल के लिए? क्योंकि ये भी स्पष्ट कर दिया कि केस को लेकर कोई टिप्पणी जो है वो अरविंद केजरीवाल नहीं कर सकते लेकिन आम आदमी पार्टी से यकीनन एक बड़ी जीत के तौर पर ले रही है तो टिप्पणियां तो होंगी ही। जी देखिए, चाहे संजय सिंह की जमानत को देखा जाए चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत को देखा जाए, चारों दोनों ही मामलों में साफ तौर पर यह कहा गया है कि जिस मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है कथित शराब घोटाला मामले में मनी ट्रेल को लेकर वो किसी भी तरीके का बयान
नहीं देंगे और किसी भी तरीके की टिप्पणी नहीं देंगे। इसका खास तौर पर ध्यान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रखना होगा। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा गया है कि जैसे कि हम लोगों ने देखा भी था कि जब सुप्रीम कोर्ट की दलीलें चल रही थी तब उस समय कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किसी भी फाइल पर साइन नहीं करेंगे, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से ये बात जरूर कही गई थी कि अगर दिल्ली का उपराज्यपाल दिल्ली सरकार के कामों में किसी भी तरीके की बाधा ना बनाए तो ये बात साफ है कि ये तो कहा गया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फाइल पर साइन नहीं करेंगे, लेकिन जब तक जरूरी नहीं होगा केवल तब तक ही फाइल पर साइन नहीं किया जाएगा। आप भी आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर खड़ी हैं, वहां पर कैसी तैयारियां आप देख रही हैं, क्योंकि अब अलग अलग जगह से तस्वीरें सामने आने लगी हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं, ढोल नगाड़े के साथ जश्न मना रहे हैं। जी मैं पूछ रही है, जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है दूर दूर इस जगह कार्यकर्ता हो चाहे आम आदमी पार्टी के विधायक हो नेता हो पार्षद हो सभी धीरे धीरे कर आम आदमी पार्टी मुख्यालय पहुंच रहे हैं। मिठाइयां यहां पर बांटी जा रही है क्योंकि एक बड़ी जीत के रूप में आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत को ले रही है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा जश्न का माहौल आम आदमी पार्टी मुख्यालय में देखने को मिल रहा है और उम्मीद लगाई जा रही है क्योंकि लोगों का जुटना इसलिए शुरू हो गया है कि लोगों को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रिहा होने के बाद जेल से निकलने के बाद वो आम आदमी पार्टी मुख्यालय आएंगे। लेकिन अभी की कोई भी ये कह सकते हैं ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं आई है कि अभी उनका शेड्यूल तय नहीं हुआ है कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल पहले कहाँ जाएंगे या फिर किन से मुलाकात करेंगे। भावना, कोर्ट की ओर से तो ऑर्डर आ चुका है लेकिन जेल से बाहर कब आएंगे अरविंद केजरीवाल, उसको लेकर कुछ समय आप बता पाए, कोर्ट ऑर्डर कब तक पहुंच जाएगा तिहाड़ जेल? की उम्मीद लगाई जा रही है चारों कि 6 बजे के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कभी भी जेल से रिहा हो सकते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्ट ऑर्डर तिहाड़ जेल भेजा जा रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ही शर्तों को तय कर लिया गया है। तो उसके बाद 6 बजे के बाद का समय निर्धारित किया जा रहा है कि 6 बजे के बाद कभी भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर निकल सकते हैं चारों। और भावना, जिस दौरान अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे तिहाड़ जेल से वहां पर कौन कौन मौजूद रहने वाला है? जी देखिए आम आदमी पार्टी के तमाम शीर्ष नेता धीरे धीरे जैसे आम आदमी पार्टी मुख्यालय पहुंच रहे हैं वहीं तिहाड़ जेल भी पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि 6 बजे का समय जो है वो बताया जा रहा है कि 6 बजे के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई हो सकती है। तमाम फॉर्मेलिटी पूरी करके आम आदमी पार्टी की लीगल टीम की तरफ से जब मैसेज आ जाएगा तो आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेने के लिए तिहाड़ जेल जरूर पहुंचेंगे और वहां पर भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का एकजुट होना शुरू हो गया है क्योंकि सभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुनना चाहते हैं, कार्यकर्ता हो नेता हो सब भी उनसे मुलाकात करना चाहते हैं क्योंकि साफ तौर पर जिस तरीके से लोकसभा चुनाव चल रहा है प्रचार चल रहा है तो आम आदमी पार्टी के लिए संजीवनी के रूप में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी की तरफ से शीर्ष नेताओं की तरफ से साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि एक बड़ा बदलाव अब इस चुनाव प्रचार प्रसार में देखा जाएगा। भावना, ये और समझना चाहेंगे कि क्योंकि कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के जो रिलीज ऑर्डर्स हैं वो हार्ड कॉपी जो है वो तिहाड़ जेल पहुंचेगी यानी बाय हैंड पहुंचने वाले हैं, तो यकीनन क्या ये मान लिया जाए कि 6 बजे के आसपास अरविंद केजरीवाल का जो ऑर्डर है वो तिहाड़ जेल पहुंचेगा, उसके बाद वो बाहर आएंगे? जी चारून, उम्मीद यही लगाई जा रही है कि कुछ ही देर में जो है ऑर्डर की कॉपी तिहाड़ जेल पहुंच जाएगी। आम आदमी पार्टी की लीगल टीम जो है ऑर्डर की कॉपी तिहाड़ जेल लेकर जाएगी और उसके बाद यानी